हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज संडे का दिन है। संडे के सुबह सुबह मैं देखिए किचन में बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को खाना है चावल दाल। ये अरहर की दाल है, इसे मैं ड्राई रोस्ट करी हूँ, बिना तेल का रोस्ट करना है, हल्का सा भुनना है। उसके बाद धो के मैं कुकर में नमक हल्दी डाल के दे देती हूँ। इस तरीके से अरहर दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। फिर बना रही हूँ मैं चावल, तो ये बासमती चावल है। इसे एक मींस आधा घंटा तक जो है ना, कम से कम धो के पानी में छोड़ देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, तो चावल बहुत ही अच्छा पकता है। और ये देखिए, ये चना है, ये चना मैं भूल गई थी, भिगो के छोड़ दिया था बाहर, और कितना लंबा लंबा हो गया है। और देखिए ये अंकुरित कितना लंबा हो गया, ये देख के मैं खुद आश्चर्य में थी कि इतना लंबा कैसे हो गया, और आज तक इतना लंबा मैं कभी देखी ही नहीं थी। और ये देखिए, चावल मैं धो के धो दी हूँ और पानी में डाल दिया है। ये आधा घंटा फूलेगा, फिर मैं बनाऊँगी चावल। तो आज मैं सुबह उठ के चावल दाल सब्जी ही बनाने वाली हूँ। संडे को सब मेरे हस्बैंड को मन था कि चावल दाल सब्जी बनाओ, और तो मैं सोची बच्चे लोग उठेंगे तो इसे भूख लग जाएगी, तो वो लोग क्या खाएंगे, तो इसके लिए मैं फ्रूट्स कट करके रख रही हूँ, फ्रूट्स खा लेंगे। और ये फ्रूट्स कट करके मैं नहाने चली जाऊँगी, और नहाने के बाद जो है ना, मैं चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि चावल गैस गर्म ही अच्छा लगता है, वो ठंडा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से। और आज मैं ओट्स वगैरह भी नहीं बनाई। और ये देखिए, मैं नहा के आ चुकी थी और सबको बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी, तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये है बैगन, होता है ना जो भट्टा बैगन है, उसी का ये, हम लोग इसे चक्का कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, बहुत कोई भाजा भी कहते हैं बैगन भाजा, तो आप लोग जो भी समझना है समझ सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैं इस तरीके से कट करके, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर लहसुन धनिया पाउडर ये सब डालकर चारों तरफ लगा देना है, हाथ से नीचे में ही, उसके बाद कढ़ाई में डाल लिया है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बैगन से एक अलग ही टेस्ट आता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग इसे बैगन का चक्का कहते हैं, बहुत कोई बैगन भाजा बैगन सब्जी जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मींस बैगन का टेस्ट ही एक अलग आता है इस तरीके से सब्जी बनाने से, और फटाफट से पक जाता है, मींस थोड़ी देर में ही पक जाएगा, और तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो गाइस देखिए, सब्जी मेरा लगभग पक चुका था, और ये देखिए रिया पढ़ाई कर रही है किस तरीके से बैठ के, और इधर सब कोई घूम फिर रहे हैं क्योंकि सबको भूख लग गई है तेज की। और फाइनली देखिए, मेरी थाली तैयार हो गई संडे की, चावल दाल सब्जी सलाद। और गाइस, मैं चावल इसीलिए बना ली क्योंकि हम मुझे कहीं जाना था, इसीलिए मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाई, और फटाफट ही मैं बना ली थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था खाना। और हम लोग 12 बजे तक खा लिए थे, 12:30 बजे तक। उसके बाद देखिए, मैं सारा जो किचन लिफ्ट ओवर खाना है वो सब मैं निकाल लूँगी, उसके बाद फिर किचन सफाई करूँगी, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है। और आज गाइस संडे होता है ना, तो संडे को एक्स्ट्रा काम बहुत होता है, हर चीज़ मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ, बहुत काम ऐसा होता है कहीं बाहर का घर का, तो काम हो ही जाता है, और ख़ासकर संडे को। तो इसी वजह से जो है ना, मैंने नाश्ता सुबह का स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो फ्रूट्स खा लिए, फिर खाना भी खा लिया ये लोग, और सब कुछ आज जो है ना, खाना जो है ना पहले हो गया, तो पहले हो गया तो मैं भी आराम से खाना वगैरह खा के रेस्ट भी की। सारा देखिए किचन में सफाई कर लेती हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि ज़्यादा देर रखो तो बर्तन सूख जाते हैं, तो सफाई करना मुश्किल होता है। फिर देखिए किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है, इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली हूँ। दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे लोगों को भूख लगी है, तो बोल रहा है झटपट से कुछ नाश्ता बना दो, कुछ मुझे खाना है, चटपटा होना चाहिए। और आपको पता ही है, मेरी बेटी को चटपटा और थोड़ा सा मिर्ची तीखा नमकीन ये नाश्ता खाना चाहती है, तो चलिए मैं वैसे ही रेसिपी आज बनाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी है, चटपटा है, और साथ साथ हेल्दी भी है, मीन्स कोई नुकसान नहीं करेगा, और घर के सामानों से बनी हुई है, तो चलिए रेसिपी को बनाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और दोस्तों देखिए, शाम को मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि आज ये लोग खाना सवेरे ही खा लिए, सुबह नाश्ता नहीं बनाई थी, तो शाम को कुछ हेल्दी नाश्ता बनाना पड़ता ही है, तभी तो बच्चे खाएंगे, इसे भूख भी लग गई थी सब बच्चे को। तो मैंने घिया रखा हुआ था, आधा घिया लिया, इसे कद्दूकस कर लिया, और कैप्सिकम बारीक कटा कैप्सिकम, प्याज टमाटर हरी मिर्च गाजर, आपको जो सब्जी पसंद है, मेरे पास ये सब पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दिया, और कुछ बेसिक सा मसाला जो कि नमक हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला ये सब डाल के, पानी डाल के इस तरीके का बैटर बना लिया है।
और इसको नॉनस्टिक तवे में हल्का सा तेल डाल के मैं बनाऊंगी। आप जो है ना बिना तेल का भी बना सकते हो, और आटा की जगह आप सूजी ले सकते हो, बेसन ले सकते हो, जो मन है ले सकते हो, लेकिन मैं आज आटा का ही बना रही हूँ। बेसन का भी बहुत टेस्टी लगता है, या आटा बेसन भी मिला सकते हो, या फिर आटा मक्की का आटा, जैसे बनाना है बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही कम तेल में बन जाता है, और घिया बच्चे ऐसे खाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके से बना कर दो तो बच्चे खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से बना दी, और बच्चे लोग खाए, सबका पेट भी भर गया और सब खुश भी हो गए खा के नाश्ता। और नहीं तो फिर गाइस ये लोग बोलते हैं चाउमीन बनाओ, ये मंगाओ, फिर मार्केट से लाओ, या फिर घर में बनाओ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है और हेल्दी भी नहीं होता है। तो देखिए मेरा बन चुका है, और गाइस ये वीडियो जो है ना मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डालती हूँ, तो अगर आप लोग को देखना है तो शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी मैं बनाती हूँ, उसमें भी डालती हूँ, उसमें डिटेल में होता है। और ये देखिए दोस्तों, देखिए ये बनकर तैयार है। आप चीला भी खा सकते हो या पैनकेक खा सकते हो, नमकीन वाला। और ये जो है ना बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे लोग के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं बनाई हूँ आटा का, आप इसके जगह और सब्जी डाल सकते हो, आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप वो सब्जी डाल सकते हो। और बच्चे ऐसे हरी सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, तो इसमें घी और जो भी सब्जी है जो बच्चे को पसंद है या आपको पसंद है वो डाल सकते हो। और आटा के बदले आप इसमें मीन्स आटा और बेसन भी डाल सकते हो, उसका भी बना सकते हो। छोटा छोटा ही बनाना, क्योंकि छोटा बनाने से बच्चे आराम से खा लेते हैं, और बड़ा बनाने से क्या होता है ना बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो पहले सेब देख के खाना चाहते हैं। तो आटा के साथ आप मक्की का आटा भी मिला सकते हो, उसका ही बना सकते हो, वो भी बहुत ही हेल्दी होगा। या आटा के साथ चावल का आटा भी बना सकते हो, या आटा के साथ आप बेसन भी डाल सकते हो, जो पसंद है, जो भी आटा आपको पसंद है वो डाल के बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए मेरा बन गया है, मैं दिखाती हूँ खा के। और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है, इसे आप लंच में भी दे सकते हो, बच्चे आराम से खाएंगे, क्योंकि बच्चे को हमेशा बाहर का ही खाना पसंद होता है, और ये घर का बना है तो हेल्दी होगा ही। दोस्तों इस रेसिपी को आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी, जितना ये लोग खाएंगे, या जो बच जाएगा सुबह मैं लंच में दे दूंगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।